तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आपकी नई वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, एक छोटी सी टॉपिक है हमारा और यह है पोर्टुलाका का प्लांट है। और पोर्टुलाके की प्लांट की आप टोपियारी कैसे बना सकते हैं वही हम आपको वीडियो में बताएंगे। सिंपल सा मेथड है, वीडियो छोटी है, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और इस तरीके के प्लांट बना के आप भी अपने घर में खूबसूरत और ढेरों कलर के कलर अलग अलग हैं तो अलग अलग कलर के पोर्टुलाका के प्लांट हमने लिए हैं। इस टाइप का आपके पास एक 8 इंच का गमला होना चाहिए। अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा है तो आप रूट के साथ में निकाल लीजिए, नहीं है तो कोई नहीं, आप रूट कटिंग भी ले सकते हैं। पोर्टुलाके की कटिंग 4 से 5 दिन में ग्रो हो जाती है। तो सबसे पहले हमने जो लिया है वहाँ पर ये है हमारा, एक डंडा ले लीजिए। डंडा एकदम हार्ड होना चाहिए क्योंकि पोर्टुलाका का प्लांट जो है ना हमेशा इस टाइप से लटक जाते हैं, इस टाइप से लटकते हैं। ये मैंने डंडे निकाल दिए अभी, इस वजह से आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं तो ज़्यादातर पोर्टुलाका के प्लांट में प्रॉब्लम क्या है कि वो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो बस इस टाइप से आप एक डंडा लगा लीजिए। जो हमने यहाँ पर कंपोस्ट ली है उसमें जो हमारा सॉइल मीडिया है उसमें हमने थोड़ा सा राइस हस्क डाला है, 10% रेत है, 40% आपका इसमें कंपोस्ट है। और जो 40% हमने जो लिया है वो है इसमें कंपोस्ट, गोबर की खाद। और इस तरीके से आप ले लीजिए। और अपने प्लांट को आपने क्या करना है कि प्लांट को अलग अलग कर लीजिए और जितना हो सके इस तरीके से रख लीजिए, क्योंकि आपको एक बेहतरीन प्लांट भी बनाना है और सुंदर सी टोपियारी बनानी है। तो पहले हम प्लांट लगाएंगे, उसके बाद आपको आगे की कार्रवाई बताते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपने प्लांट किस तरीके से लगाना है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, एक साथ लगाते हुए चलते हैं क्योंकि प्लांट थोड़े ऊपर से भारी हो गए हैं तो प्लांट लटक रहे हैं बार बार। तो मिट्टी एकदम वेल होनी चाहिए आपकी, क्योंकि पोर्टुलाका का प्लांट आपका 12 मासी फ्लावरिंग करता है। और ये देखें मिट्टी कितनी सॉफ्ट है कि प्लांट टिक ही नहीं रहा है, प्लांट का जो वेट है उसे बार बार बाहर ले आ रहा है। तो क्योंकि पोर्टुलाका का प्लांट क्या है ना, ग्रो करने में तो आसान है ही है मगर साथ में कटिंग भी बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से इसकी ग्रो हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आपको प्लांट चाहिए, जितना घना आप अपने टोपियारी को रखना चाहते हैं उस टाइप से कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि छोटा टोपियारी ना हो बड़ी हो तो आप बड़े भी ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपको प्लांट की नीड है, जितना घना जितना मोटा आप अपने टोपियारी को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को लगा लीजिए, जितना ज़्यादा लगाएंगे आपकी जो टोपियारी बनेगी उतनी घनी बनेगी। तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पे कर दिया है। अब लेनी है आपने इस टाइप की रस्सी या कुछ भी आपके पास जो है उसको हम धीरे धीरे सपोर्ट देंगे। और थोड़ा काम करते हुए मुश्किल होती है क्योंकि नए टॉपिक में अगर हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है, ये इकट्ठे में नहीं हो रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से क्लोज कर लेता हूँ और अब जो हम करेंगे इसमें कुछ प्लांट आपके टूटेंगे क्योंकि टोपियारी का ये जो पोर्टुलाका का प्लांट है एकदम सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो टूटेंगे आपके कुछ प्लांट, कोई उसका कोई मैटर नहीं है क्योंकि टूटना ही एक इसके लिए एक बेनिफिट का काम भी करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें कटिंग टूटेगी उतना ज़्यादा आपका प्लांट को एक पिंचिंग का काम करता है। पिंचिंग मतलब कहने से कि आपके जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो उतनी अच्छी आएगी। और इस तरीके से पहली गांठ हमने लगा दी है और ये लगा दीजिए अच्छी तरह से और फिर इसको थोड़ा और उठा लीजिए और दूसरा आप इस
तरीके से उठा के दूसरी रस्सी बांध दीजिए। रूट्स वगैरह कुछ बाहर आ जाए प्लांट के तो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि अभी हमारा प्लांट नहीं लगा है ढंग से। केवल हम इसका एक बेस तैयार कर रहे हैं, जब बेस तैयार हो जाएगा तो हम प्लांट को दोबारा भी ग्रो कर देंगे। और हमने दूसरी रस्सी भी बांध दी है, और फाइनल रस्सी जो हम बांधेंगे वो रस्सी या सपोर्ट जो भी है आपने बांधना है वो आपने बांधना है ऊपर। तो कुछ एक प्लांट छूट भी गए हैं और इसको देंगे हम फाइनल, जो हमारी फाइनल बनाई रहेगी वो रहेगा ये। और यहाँ से आपने प्लांट को जैसा मर्जी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इससे दो बेनिफिट रहेगा, अगर आप आगे जाके आपका प्लांट खड़ा हो जाता है तो आपने उसकी जो बीच की सपोर्ट आपने दी है वो निकाल सकते हैं, और इसके जो फालतू प्लांट निकल गए उनको आप निकाल दीजिए, जो ये बाहर हो गया है इनको हटा दीजिए। और अभी इसमें क्या है, आपने कंपोस्ट डाल देनी है और आपके रूट जो हैं वो कवर कर दें। क्योंकि ये जो हम तैयार कर रहे हैं प्लांट ये विंटर के लिए है, ये विंटर में फ्लावरिंग करेगा। और साथ में आप जो करेंगे वो करिए, आपके जो ऊपर के जो रूट टहनी है इनको तोड़ दीजिए, इनको कट कर सकते हैं चाकू से, आप जैसे भी कर सकते हैं इजीली कट जाते हैं। और इस तरीके से आप काट लीजिए और अब आप अपने प्लांट को पानी दे दीजिए। और जो बाहर के एक्स्ट्रा आपको लग रहे हैं कि ये खराब दिख रहे हैं आपके प्लांट को, तो उन्हें आप कट कर दीजिए। और ये देखिए आपका एक बॉन्साई टाइप की टोपियरी बन जाती है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी आप इसमें अपने हिसाब से कटिंग फटिंग जो भी छटाई वगैरह करना चाहते हैं, और चाहे आपको इसको इस टाइप से ले जाना चाहते हैं ऊपर ले जाएंगे तो और बांधेंगे, और नहीं तो अगर आप इसको यहीं से फैलाना चाहते हैं तो इसको ऐसे करके कटिंग करते रहिए, प्लांट निकलते रहेंगे और ये अच्छा सा लुक आपके गार्डन को देगा। जब फ्लावरिंग आएगी तो बेहतरीन फ्लावर रहेंगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।